कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर सोमवार को भी देखने को मिला। महानगर की सभी दुकानें बंद रही तथा विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा, जिसमें घंटाघर चौराहा, रेती चौक, मियां बाजार, घोष कंपनी चौराहा, जिला अस्पताल रोड, टाउन हॉल सहित अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के पालन के लिए जगह जगह लगाकर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। चौकी इंचार्ज और सभी सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। बैरियर की चेकिंग ऐप के द्वारा की जा रही है। अनावश्यक घूमने वालों की जानकारी ऐप के माध्यम से मिल जाती है और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, नाइट कर्फ्यू के लिए जो है अलग अलग जगह बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। CEOs, SHOs और चौकी इंचार्ज और सारे सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है उन बैरियर पॉइंट्स पर। और इसके अतिरिक्त बैरियर चेकिंग ऐप के द्वारा जो है वो अपने फोटो अपलोड करते हैं जहाँ पे और जो भी कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर जा रहा होगा तो सूचना उसी ऐप पर हमें मिल जाती है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है उसके विषय में। देखिए, जो बेवजह घूम रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, चालान की कार्रवाई भी हो रही है वाहनों पर। और जनता से यही गुजारिश रहेगी कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। जो दुकानदार हैं, जो भी हैं, वो अपने दुकानों को बंद करके 10 बजे के पहले अपने घरों में चले जाएं। और उसके बाद अगर कोई आवश्यक वस्तु की दुकान नहीं है और वो खुली मिलती है तो उस पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करते हैं।